गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएससी परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के लगभग एक दर्जन छात्रों ने बुधवार को विश्वविद्यालय गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह को प्रेषित किया। छात्रों का कहना है कि आगामी 3 से 6 मई तक बीएससी की परीक्षा सुनिश्चित है, लेकिन इसी बीच वायु सेना का प्रतियोगी परीक्षा होना है, जिसके कारण बीएससी के बहुत से छात्र छात्राएं इस प्रतियोगी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। छात्रों की मांग है कि वायुसेना की प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए बीएससी की परीक्षाओं की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। ज्ञापन सौंपा जाने के दौरान छात्र अनूप यादव, राजमंगल यादव, इंद्रेश शहादत अली, सत्यम सिंह सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र राजेश यादव ने कहा, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 परीक्षा तिथि बदली जाए, बदली जाए, बदली जाए, एकता जिंदाबाद। आए हैं हम लोग, दो दिन पहले ज्ञापन दिए थे कि छात्रों की परीक्षाएं मई 3, 4, 5 को, बीएससी के छात्र हैं और उनकी वायुसेना की लिखित परीक्षा भी 3, 4, 5, 6 को है। हम लोग ने कुलपत सर के अनुपस्थिति में उस दिन परीक्षा नियंत्रक सर को ज्ञापन दिया था, जिसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आज हम लोग साक्ष्य के साथ आए हैं कि इन छात्रों का पेपर है और ये 3, 4, 5, 6 को पेपर है छात्रों का, और वो छात्र वायुसेना को, सभी को पता है कि उम्र की बाउंडेशन 19 से 20 साल तक होती है, अगर इस साल वो अवंचित रह जाएंगे तो वो छात्र दोबारा वायुसेना की परीक्षाएं दे नहीं पाएंगे और बीए की परीक्षा का छोड़ देंगे तो उनका एक साल बर्बाद चल जाएगा। तो विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त समय है, तो हम चाहते हैं कि कुलपति महोदय छात्रों के भविष्य को देखते हुए, ये बड़ा मामला है, बहुत से छात्र हैं जो वायुसेना की परीक्षा दे रहे हैं और 4 दिन परीक्षाएँ होनी है, तो उन तिथि को जितनी परीक्षाएँ हैं उसको बदला जाए और एक उचित नया डेट लाया जाए जिससे छात्रों का हित हो सके, उनका नुकसान ना हो सके।